नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति संरक्षण और जनचेतना हेतु तमसा परिवार ने हमेशा की तरह दो वर्षों से लगातार मन में ठान कर ही रखता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी पौधारोपण करेगा जरूर। मुख्य अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के साथ तमसा परिवार द्वारा गायत्री घाट, गोदाम घाट, बागल खराब पुल, मोहटी घाट, नरौली घाट, संकरी घाट आदि जगहों पर पौधारोपण और पौधों की देखभाल की गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने विश्व पर्यावरण दिवस पर तमसा नदी सफाई, स्वच्छता एवं वृहत पौधारोपण अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। तमसा परिवार के पूर्वांचल विकास आंदोलन के संयोजक प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है जिसे सबसे पहले कम करना होगा, क्योंकि अगर हवा पानी यही सब साफ नहीं रहेगा तो हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। समाज सेवी शिक्षक अनिल राय ने कहा कि पर्यावरण से ही हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ आदि प्राप्त होती हैं। गुलाब चौरफ से ने लोगों को ध्यान खींचते हुए कहा कि पर्यावरण पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोककर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तमसा परिवार ने आजमगढ़ में रह चुके आरटीओ के प्रशासनिक अधिकारी अनिल सहगल की तरफ से भी पौधा लगाया।